एवरीवन कनेक्ट फास्ट, जल्दी से, वी आर लाइव नाउ। फटाफट कनेक्ट हो जाएंगे सब बच्चे, अपने अपने दोस्तों को बुला के ले आओ भाई, फटाफट कनेक्ट हो जाओ, फटाफट कनेक्ट हो जाओ। एक नई वैकेंसी के साथ हम आपके लिए वापस आए हैं कैम अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे, तो जल्दी से कनेक्ट हो जाएंगे सब बच्चे। एवरीवन प्लीज डू कनेक्ट फास्ट 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 फास्ट, जल्दी भाई, जल्दी जल्दी कनेक्ट हो जाओ सब। जल्दी कनेक्ट हो जाएंगे, जल्दी जल्दी जल्दी। वी हैव टू स्टार्ट आवर सेशन, जब तक जितने भी बच्चे कनेक्टेड हैं प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशंस, एज वेल एज प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। जल्दी से कनेक्ट हो जाओ भाई, फटाफट कनेक्ट हो जाओ। आप लोग जैसे ही लाइव आ जाओगे, मतलब एक अच्छा गुड नंबर आप क्वांटिटी आ जाएगी भाई लाइव, मैं आपका सेशन स्टार्ट कर दूंगी, आपको एक्सप्लेन कर दूंगी क्या वैकेंसी आपकी ये और कितने नंबर ऑफ सीट्स हैं फॉर केमिस्ट्री, क्या क्या आपके यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है। जल्दी से कनेक्ट हो जाएंगे, जल्दी जल्दी कनेक्ट हो जाओ। किसी बच्चे को इंटरेस्ट है क्या इसमें तो जल्दी से बता दो भाई उसे जाके, और उसको कह दो कि ऐसे ऐसे करके एक वैकेंसी आई है, प्लीज़ जल्दी से कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, जल्दी कनेक्ट हो जाओ। फिर मैं बार 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 रिपीट करना पड़ेगा भाई मुझे, जल्दी कनेक्ट हो जाओ। ओके आई एम वेटिंग फॉर यू टू कनेक्ट, जल्दी से कनेक्ट हो जाओ सब बच्चे। जितने भी बच्चे प्रेजेंट हैं प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और अपने अपने दोस्तों को बुलाकर लेकर आइए, प्लीज़ डोंट वेस्ट दिस दैट। ओके 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 ओके, गुड मॉर्निंग मिस्टर पवन, गुड मॉर्निंग। जल्दी से भाई अपने दोस्तों को बुला के लेके आओ और उनको बताओ कि ऐसे ऐसे करके एक वैकेंसी आई है, फटाफट से जल्दी सेशन को स्टार्ट कर। फिर देखते हो जितने कनेक्टेड हैं प्लीज डू सब्सक्राइब चैनल, गेट टू हिट बेल फ्यूचर नोटिफिकेशंस एंड अबाउट टू स्टार्ट नाउ। ये और एटॉमिक एनर्जी क्रिएट, ठीक है, जो ओके, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से आपकी ये आई, इसके लिए आपका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने है, कितनी नंबर ऑफ सीट्स है, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो देखो डिपार्टमेंट ऑफ जो आपका एटॉमिक एनर्जी AMD है, वो आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशंस को इनवाइट कर रहा है और आपकी ये रिक्रूटमेंट जो आई है ये अपर डिवीजन क्लर्क के लिए आई है, टेक्नीशियन के लिए आई है, ड्राइवर ये तो आपके काम की नहीं है, लेकिन इन अदर पोस्ट में आपका साइंटिफिक आपके लिए जो आई है पोस्ट वो है साइंटिफिक असिस्टेंट बी के लिए पोस्ट आई है भाई आपकी ये, और दोज कैंडिडेट्स आर इंटरेस्टेड इन फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ AMD रिक्रूटमेंट 2021, उनको अपना पूरा का पूरा जो क्राइटेरिया है वो इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाके फुलफिल करना है, अपना पूरा जो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, जो भी आपका आपको सिलेबस देखना है, कुछ भी देखना है, सब कुछ आपको @AMD.government.in, ठीक है। मैम वॉइस नहीं आ रही है, गुड मॉर्निंग रॉयल भाई, वॉइस मेरे पास तो आ रही है, बहुत अच्छे से आ रही है, वॉइस तो आ रही है। Am I audible? जल्दी
एटॉमिक ये डिपार्टमेंट डोट इन पे पैटर्न देख सकते हो, एज वेल एज अपना फॉर्म भी आप यहाँ पर जाके फिल कर सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं भाई डेट कब निकले थे ये फॉर्म, ये फॉर्म आपके निकले थे 9th of October को और लास्ट डेट है आपकी अप्लाई करने की 4th of October, ठीक है। वॉइस इशू आ रहा है, प्लीज चेक करिए एक बार, वॉइस इशू आ रहा है लगाया हुआ वो यार मैंने देखा था, सुनाई नहीं दे रहा। अब बताओ भाई आवाज आ रही है, अब बताएंगे आवाज आ रही है। क्या है आपका कर दीजिएगा, असिस्टेंट तो आपकी एज कम होनी चाहिए। फाइन, तो यहाँ पर तो आपके जो साइंटिफिक असिस्टेंट की जो यहाँ पर एज लिमिट है वो रहने वाली है 30 इयर्स, और बाकी जो भी इन्होंने कहा है कि एज रिलैक्सेशन जो है वो एज पर रूल्स एप्लीकेबल है, जैसे SC ST के लिए आपका 5 इयर्स का रिलैक्सेशन होता है, ये सारी चीजें यहाँ पर होंगी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं आपकी एप्लीकेशन फी कितनी रहने वाली है। तो अगर हम नॉर्मल सबके लिए बात करते हैं तो वो रहेगी 200 रुपीज, बट अगर मैं यहाँ पर विमेन कैंडिडेट के लिए SC ST और PH वाले कैंडिडेट्स के लिए बात करूँ तो उनके लिए ये फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई उनके लिए यहाँ पर फीस नहीं लगने वाली है। आगे पेमेंट मोड क्या रहने वाला है भाई, ऑनलाइन, क्योंकि
आप चाहे डेबिट कार्ड से करो, क्रेडिट कार्ड से करो, नेट बैंकिंग के थ्रू करो, दैट डिपेंड्स अपॉन यू. लेकिन आपका जो पेमेंट मोड रहने वाला है वो रहने वाला है ऑनलाइन. अब बात करेंगे यहाँ पे एटॉमिक वैकेंसी कितनी है. भाई इन सारी पोस्ट में अगर आपका कोई दोस्त हो, फिजिक्स, जियोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, उनको बता देना आप. लेकिन आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स के लिए लेट मी टेल यू आपकी नंबर ऑफ सीट्स हैं यहाँ पर 5. तो आप लोगों को अपना एग्जाम जो आपका सिलेबस है वो चेक करना है. आपका सबसे पहले होता है यहाँ पर रिटन एग्जाम, उसके बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाता है. तो अकॉर्डिंगली आप अपना प्रिपेयर करना. और जैसे आप केमिस्ट्री स्टूडेंट हैं और आप यहाँ पर साइंटिफिक पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपका जो रिटन एग्जाम है उसके अंदर बेसिकली आपका आपके जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट नॉलेज के हिसाब से ही आपका यहाँ पर पेपर में क्वेश्चन आते हैं. और 2 आवर्स का एग्जाम होता है, ये बेसिकली 100 मार्क्स का पेपर होगा. तो अपना प्रिपेयर कर लेना, ठीक है. रिटन मार्क्स का बहुत अच्छा खासा वेटेज है भाई. अब बात करते हैं आगे केमिस्ट्री. अगर आपके यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स आपके लिए भाई आपके पास बीएससी होना चाहिए केमिस्ट्री के साथ, मैथमेटिक्स के साथ और फिजिक्स के साथ विद मिनिमम एग्रीगेट ऑफ 60%. बट अगर मान लो ये भी नहीं आपके पास, तो आपके पास बीएससी होनी चाहिए. केमिस्ट्री तो आपका होगा लेकिन जियोलॉजी और फिजिक्स सब्जेक्ट भी चल सकता है, आपका 60% एग्रीगेट होना चाहिए. इसके साथ साथ मान लो ये भी नहीं है तो बीएससी होना चाहिए केमिस्ट्री, दैट इज मैंडेटरी फॉर यू. पर आपका मैथमेटिक्स और जियोलॉजी ये भी चल सकता है 60% एग्रीगेट के साथ. और अब सवाल होगा बच्चों का कि मैम हमारे पास इसमें से कुछ नहीं है, तो लेट मी टेल यू बीएससी ऑनर्स वाले बच्चे जिन्होंने बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री की है उनका भी यहाँ पर, वो भी यहाँ पर एलिजिबल है विद 60% ऑफ एग्रीगेट, ठीक है. तो आप लोग अकॉर्डिंगली अपना चेक कर लेना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. इफ यू आर फुलफिलिंग दिस देन प्लीज फिल दिस फॉर्म, प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम वेल. और आप लोग रिटन एग्जाम के लिए और इंटरव्यू के लिए दोनों चीजों के लिए अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करें. और आपको फॉर्म फिल करने के लिए अगेन आई एम टेलिंग यू आपको यहाँ पर विजिट करना होगा @amt.government.in की इनकी वेबसाइट है. इस पे जाके आप सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन अपनी आगे पीडीएफ वगैरह कुछ भी डाउनलोड करना है, तो आपको फॉर्म सबमिट करना है, कुछ भी सारा आपको यहाँ पर करना होगा जाकर, ठीक है. तो विजिट करना भाई इस वेबसाइट को और सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहां से मिल जाएंगी. अब बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है, ये आपके लिए आज की वैकेंसी थी, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना. बिकॉज आई हैव टोल्ड यू फिजिक्स, जियोलॉजी और आपके नंबर ऑफ सीट्स रहने वाली है. बाकी के बच्चों के लिए भी ये रहा फिजिक्स, जियोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल सिविल. केमिस्ट्री के अलावा ये पर्टिकुलर सीट्स भी हैं आपके फॉर साइंटिफिक असिस्टेंट बी पोस्ट. ओके, जल्दी से रॉयल केमिस्ट्री, ऑफकोर्स एमएससी कैंडिडेट्स आर एलिजिबल, लेकिन आप लोग सिर्फ बीएससी के बेसिस पर ही यहाँ पर एलिजिबल होगी. यानी जो आपकी ये जो वैकेंसी है ना, ये ग्रेजुएशन बेस्ड है. मान लो आप एमएससी कर रखे तो 12th बेस भी आप ले सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी एमएससी है, आप एमएससी बेसिस पे भी अपने कोई पोस्ट देख सकते हो. बट यस, अगर आपने बीएससी इन सब्जेक्ट से की है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो. बट दिस पोस्ट इज नॉट फॉर साइंटिफिक असिस्टेंट बी पोस्ट, इज मेनली फॉर ग्रेजुएट पीपल. ओके, आपने एमएससी किया तो इसका फायदा उठाओ. एमएससी बेसिस कोई जॉब देखो, एमएससी जिसमें आपकी डिमांड करते हो उसके लेवल की कोई जॉब हो तो. मैम केमिस्ट्री विद बायोलॉजी आर एलिजिबल और नॉट, भाई यहाँ पे बायो तो मांगा नहीं, पर लेकिन हाँ मान लो आपके पास बायो के साथ साथ ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स भी हैं, देन यू आर एलिजिबल. फाइन, देन यू आर एलिजिबल, क्योंकि इसमें ना आपका बेसिकली मैथ्स और फिजिक्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन कभी कभी मतलब कुछ पूछे जाते हैं, तो दैट्स वाई दे आस्क फॉर मैथमेटिक्स एज वेल एज फिजिक्स एज वेल. बट ये जैसे आप केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स हो, तो केमिस्ट्री के लिए आपका नॉर्मल अगर आपने बी एस सी केमिस्ट्री ऑनर्स भी किया तो भी चलता है. लेकिन आपका जो एक जो आपका प्रीमियम सब्जेक्ट होता है ना, उससे आपका यहाँ पर क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं. फाइन, जनरल नॉलेज के भाई अपनी पूरे अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज बेस्ड भी आते हैं, तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर करना. प्रीति, मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया. मैम क्या एएमडी पेपर रिलीज नहीं करता है क्या? पेपर रिलीज में प्रीवियस ईयर के मिल जाएंगे, गूगल पे कुछ क्वेश्चंस आप चेक कर लेना, ठीक है, कुछ मिल जाएंगे पेपर्स आपको. चलो बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम हो प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल सॉल्व योर क्वेरी देयर. लेट्स एंड दिस सेशन नाउ. आई डोंट थिंक यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस वैकेंसी राइट नाउ. बट स्टिल अगर कोई बच्चा रिकॉर्डेड फॉर्म में इस वीडियो को देख रहा है या फिर फॉर्म फिल करते हुए किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आती है, प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, वी विल सॉल्व योर क्वेरी देयर. थैंक यू सो मच. शेयर दिस सेशन विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो. थैंक यू सो मच.